एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज है थर्सडे और अभी रात के बज रहे 8 o'clock और मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है। हम लोग कुछ अलग ट्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इसलिए प्लीज़ मेरे हेयर को इग्नोर करना। बहुत ज़्यादा ही मेसी लग रहे हैं ना, मतलब अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि मैंने इसे ऊपर बांध लिया है क्योंकि गर्मी इतनी ज़बरदस्त है ना। और मैं थोड़ी तेज़ आवाज़ से बात कर रही हूँ क्योंकि कूलर चालू है तो आवाज़ शायद आपको अच्छा नहीं आएगा। तो यह आज का वीडियो होने वाला है, जैसे कि आपको टाइटल और थंबनेल से पता ही चल गया होगा, आज हम बनाने वाले हैं मोमोज। और मोमोज जो है वो मैंने ला कर रखे थे, जो कि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही लाए हैं। बाल देखो कैसे आ रहे हैं। तो ये मोमोज मैंने फ्रीज में रखे हैं अभी, वो जस्ट हमें स्टीम करने, फ्राई करने, जो भी है वो देखते हैं। मैंने भी पहली बार ही लाया है, मैंने देखे बहुत बार थे सुपरमार्केट्स में बट कभी मैंने ट्राई नहीं किया था। तो चलो आज हम लोग ट्राई करते हैं, पहले मोमोज निकाल लेते हैं। मोमोज का पैकेट और इसमें है 15 मोमोज है और मोमो सॉस भी है इसके अंदर। ये मैंने वेज वाला लिया है, वेज नॉन वेज दोनों भी अवेलेबल रहते हैं और बाकी भी रहेंगे पता नहीं मुझे, मतलब पनीर वगैरह। तो ये तो मैंने मिक्स वेज लाया है, रसूमा करके ब्रांड का है ये, 1985 से है ये। और मुझे तो नहीं पता था इसमें कौन सा ब्रांड अच्छा है क्या नहीं, मैं डीमार्ट गई थी तो मैंने ले लिया क्योंकि फर्स्ट टाइम है। तो पहले हम ना इसकी रेसिपी देख लेती हूँ मैं कि कैसे बनाना है। स्टीम भी कर सकते हैं हम, 5 मिनट में ये स्टीम हो जाएंगे और डीप फ्राई करना है तो वो भी हो जाएगा 5 मिनट में, तो शैलो फ्राई भी हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या करना है, स्टीम या फिर फ्राई। मैं सोच रही हूँ कि स्टीम भी करूँ, यार ये बाल देखो ना कैसा आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि स्टीम भी करूँ और फ्राई भी करूँ, तो क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। स्टीम अगर करना रहेगा मुझे तो मैं इडली के बर्तन में ही करूँगी, और तो कुछ ऑप्शन है नहीं। और अगर फ्राई करना रहेगा तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, फ्राई तो वैसे भी हम भी कर लेते हैं। मुझे लग तो रहा है दोनों ही टाइप का करूँ, तो काम करती हूँ दोनों ही करती हूँ, है ना। एक साइड पे मैं फ्राई के लिए ये रखती हूँ कढ़ाई और एक साइड पे स्टीम करते हैं, और क्या 5 मिनट में हो जाएंगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये इडली ट्रे रखा है और यहाँ पर मैंने रखा है ये कढ़ाई और ऑयल इसमें डालना बाकी है, पूरे ये ड्राई हो जाए पूरी तरह से। तो इसमें मैं ऑयल डालूंगी और इसमें मैं मोमोज रखूंगी। ये मैंने थोड़ी सी गर्म करने के लिए रखी है क्योंकि इसके अंदर मैंने पानी डाला ना, तो ये थोड़ा सा, और मुझे एक बात नहीं समझ आ रही इसमें मैं ऑयल ऊपर से थोड़ा बहुत लगाऊँ नहीं लगाऊँ, वो चीज़ नहीं समझ आ रही है। तो देखती हूँ मोमोज कैसे उस हिसाब से। और फिर ये ऑयल भी तो हमें थोड़ा सा गर्म होने देना है ना, मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ। वैसे मैंने ना लॉकडाउन में घर में मोमोज बनाए थे जो कि ठीक ठाक हुए थे। सो कढ़ाई अभी हुई है, इसका टेम्परेचर ठीक से, अभी डालते हैं इसमें ऑयल फ्राई करने के लिए। सो ये मैंने ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल मुझे यहाँ पर भी समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर ऑयल लगाओ नहीं लगाओ। ये ऑयल को भी अभी मैं थोड़ा सा हीट कर लेती हूँ, गर्म होने देती हूँ, थोड़ा सा लगा ही लेती हूँ क्योंकि क्या है ना ये चिपक ना जाए वो डर है मुझे, इसलिए मैं ऑयल लगा ही लेती हूँ, है ना। और 5 मिनट्स ही इसको हमें ये करना है, कुक करना है। तो मैं नीचे के बर्तन में नहीं रखूंगी, ऊपर वाले ही रखूंगी 5 मिनट के लिए। अभी ये पैकेट को हम फोड़ते हैं और हमारे मोमोज को देखते हैं कैसे है वो।
ओके, तो ये है मोमो सॉस ओरिजिनल। यार ये मोमो सॉस बहुत कम पड़ने वाला है क्योंकि इतना सा नहीं है यार, मुझे नहीं लगा 15 पीस के लिए इतना सॉस। दो सॉस दिए है यार, मैं गई ना, मैंने मेयोनीज भी लाना चाहिए था, मेयोनीज होता ना तो और मज़ा आता है ना, साथ में मेयोनीज भी होता तो। तो कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हैं। और मोमोज भी बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छे कि इनका साइज देखो, ये रहे हमारे मोमोज, तो काफ़ी अच्छा साइज है इनका। स्मेल भी बिल्कुल अच्छा ही आ रहा है, जैसे कि हम खाते हैं ना स्ट्रीट फूड, वहाँ पर होता है, काफ़ी अच्छी साइज है। बस अभी मैं डाल देती हूँ इसको, एक इसमें मुझे लगता है 2-2 पीस रखूँ, नहीं एक ही बैठता है यार, मुझे तो नीचे वाले इसमें भी रखना, चलो 4 रख देती हूँ, है ना। फ्राई पे मैंने मोमो स्टीम करने के लिए रखे और इस पे अभी फ्राई हो रहे हैं। फ्राई करके निकाले हैं और अभी स्टीम वाले निकालती हूँ। वापस मैंने 3 डाले हैं फ्राई करने के लिए और अभी वापस मैं स्टीम वाले भी डालती हूँ। उसको भी 5 मिनट हो गए हैं, इवन 5 से थोड़ा 1-2 मिनट ज़्यादा हुआ है, तो चलो वो भी देख लेते हैं। मैंने फ्राई वाले भी पूरे किए हैं फ्राई, ऑलमोस्ट मैंने फ्राई के कितने हुए, मैंने 7 मोमोज और इसके 8 मोमोज स्टीम वाले, सेकेंड मैंने फिर से लगाया है स्टीम करने के लिए, तो वो होते तब तक मैं ये जो चटनी है ये एक प्लेट में डाल देती हूँ और तब तक ये भी हो जाएगा, फिर हम टेस्ट करेंगे। अभी हमारे मोमोज एकदम रेडी है तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने प्लेट कितने अच्छे से, तो अभी हम ट्राई करेंगे मोमोज की कैसे लगते हैं, फ्राई भी है और स्टीम भी है। ये पहले मैं फ्राई वाले ट्राई करती हूँ चटनी के साथ, मेयोनीज रहता ना शी, मैं भी भूल गई। एकदम मस्त है, बिल्कुल वैसे है जैसे हम स्ट्रीट फूड खाते हैं, मतलब स्ट्रीट साइड पे खाते हुए वैसे एकदम अच्छा है। मैं इसको और भी थोड़ा सा फ्राई करती तो भी अच्छा रहता, बस एक ही ये है कि मेयोनीज रहता ना बड़ा मज़ा आता, और साथ में हम थम्स अप, क्या कॉम्बिनेशन है, सच में बहुत मज़ा आ रहा है। सो आपको भी अगर ट्राई करना है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे टेस्ट है और घर पे अच्छे ऑयल में मस्त हम फ्राई करके और स्टीम करके खा सकते हैं। सो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, आप ये मोमोज ज़रूर ट्राई कीजिए। कितने क्रिस्पी है। एक हम स्टीम वाला भी ट्राई करते हैं, स्टीम वाला बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा मस्त है, आप भी ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।